field posting started with ACUT Trivandrum. ACUT stands for Assistant Collector Under Training. I was posted in the capital district of Kerala, and I got to train under two collectors. For a very brief period, I was with Vasuki ma'am, and after that, I was with Mr. Gopalakrishnan IAS. That has been a very good learning experience. During ACUTship times, you do not have much of responsibilities, rather that is taken as a learning period. So what is expected is that we continue to follow the district collector, how he deals with people, how he or she takes care of the various situations, and be it law and order, be it management of disaster, or be it the review meetings, DDC meetings, etc. So that was a very good learning experience for me. One particular challenging situation that I would want to mention is jab main assistant collector thi Trivandrum mein, I was given the charge of guest laborers. तो वन पर्टिकुलर डे व्हाट हैपेंड इज रात को हमें 10 बजे इंटीमेशन आया कि नेक्स्ट डे 10 ओ क्लॉक नेक्स्ट डे 11 ओ क्लॉक हमको गेस्ट लेबरर्स की एक ट्रेन भेजनी थी और केरला से निकल के वो ट्रेन वेस्ट बंगाल तक जानी थी. अब चैलेंज ये था कि हमारे पास लगभग 12 घंटे थे ये सब इंश्योर कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए. और अब जो लेबरर्स हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर गैदर तो है नहीं, दे आर स्प्रेड आउट अक्रॉस द होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो रात को 10 बजे एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई कलेक्टर सर ने. इन दैट वी डिसाइडेड, वी डेलिबरेटेड, ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड फाइनली चॉक्ड आउट अ प्लान हाउ वी वर टू गो अबाउट इट. तो रात को 10 बजे हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की, डिस्ट्रिक्ट को वेरियस डिविजन्स में बांट कर हमने टीम्स बनाई. इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स थी. हर एक टीम में हमने एक पुलिस का पर्सन, एक रेवेन्यू का पर्सन, एक हेल्थ का पर्सन, एक लेबर डिपार्टमेंट का पर्सन, ऐसे डाल डाल के हमने अपनी कई टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों को ये काम दिया जा रहा है, जो उस टीम के टीम मेंबर्स हैं, उनको खुद नहीं पता है कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर सपोज टू डिलीवर इट बाय 11 ओ क्लॉक द नेक्स्ट डे. तो रात भर गई हमें लोगों को इन्फॉर्म करने में, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में कि आपका नाम आया है इस ड्यूटी के लिए. मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक दूसरी मीटिंग बुलाई गई जहाँ पे वी ब्रीफ्ड ऑल दीज टीम्स. रात को ही हमने सारा मटेरियल वगैरह इकट्ठा किया बिकॉज वी हैड टू डू द हेल्थ स्क्रीनिंग ऑल्सो ऑफ ऑल दीज पीपल. वी हैड टू अरेंज बसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी, फ्रॉम ऑल पॉकेट्स ऑफ द सिटी टू द रेलवे स्टेशन. उसके लिए अगेन नोडल ऑफिसर्स बनाए गए, नोडल ऑफिसर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन दिस जोन, नोडल ऑफिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन दिस जोन, लाइक दैट. तो मॉर्निंग में 6 o'clock ब्रीफिंग दिया, वी डिस्पैच्ड आवर टीम्स एंड देन पीपल स्टार्टेड अराइविंग, गेस्ट लेबरर्स स्टार्टेड अराइविंग इन दोज बसेस एट द रेलवे स्टेशन बाय अराउंड 7 or 8 इन द मॉर्निंग. अब क्या था, हमने रात को एक ऐप को डिसाइड किया था कि इस ऐप में लॉग इन करके देयर डेटा वुड बी कंपाइल्ड. At the last moment, when we started taking the data from the people, that app developed some snag and it malfunctioned. So, why I'm mentioning this is ki in every government activity and in every project, it is very important to plan well, but it is even more important to be ready with a backup plan. Improvisation is very important. So, in this particular case, hamari app ne kaam karna band kar diya. There was huge data to be collected. Health screening also had to be done for all the guest laborers. और उस screening का data भी उनके database में डालना था, क्योंकि जब हम ये data बनाएंगे, नाम क्या है laborer का, उनका source address, destination address, age, mobile number, ये सारा data जब हम West Bengal government को देंगे, तब वो उनको reimburse कर पाएंगे उनके tickets के लिए. So this data was very important. तो हमारी app ने काम करना बंद कर दिया. स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जितने गेस्ट लेबरर्स थे उतना ही लगभग वहाँ पे स्टाफ डिप्लॉयड था मैनेज करने के लिए.
तो देन वी हैड टू इम्प्रोवाइज, वी हैड टू शिफ्ट टू द मैनुअल मोड एट द लास्ट मोमेंट. तो जिस तरीके से हमने टीम्स को बिठा रखा था कि इस गेट से लेबरर्स की एंट्री होगी, यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग होगी, इसके बाद हम उनको फूड पैकेट्स देंगे एंड फ्रॉम दिस वे देन दे विल बी रूटेड टू द रिस्पेक्टिव बोगीज. सो ऑल ऑफ दैट हैड टू गो फॉर अ टॉस एंड वी हैड टू इम्प्रोवाइज. द होल प्लान टुक अ मैनुअल मोड और क्राउड भी मैनेज किया, लोगों को ठीक समय से भी भेजा, फूड पैकेट्स वगैरह सब उनको दिए एंड इट ऑल हैपेंड. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इन एवरी प्लानिंग, इन एवरी प्रोजेक्ट, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड. वन इज प्लानिंग, द सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रोवाइजेशन. प्लान फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. अब मैं बात करूंगी अपनी प्रेजेंट पोस्टिंग की. फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग है तलेशेरी सब डिविजन में, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में. तो आपको बताना चाहूंगी एक सब कलेक्टर के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, पहली बात तो वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो एट प्रेजेंट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, देर आर अ कपल ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स विच वी हैव टू इंश्योर दैट दे आर इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट. That forms the major chunk of my work, my routine work. So we have divided the days in the week as per those sections. उदाहरण के तौर पे वेडनेसडे के दिन हमारी CRPC की कोर्ट होती है. उस दिन the people who are seen as a threat to the public peace because they have been involved in some kind of law and order activity in the past, such cases are brought to the court of the SDM. We hear both sides of the story, the counter petitioner ka version also and the prosecution ka version also, and accordingly then we take a call. Yahan pe ek interesting cheez bhi hoti hai. Once we take a final decision, for example, a person has been found to be a threat to public peace and therefore, to avoid that kind of situation in future, we bind him down using a bond. So, jab bond sign karwate hain counter petitioner se, to I ensure that I give a kind of pep talk to the counter petitioner. And I found कि जब खासकर यंगस्टर्स से उनसे बात करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, इस मारपीट में आप क्यों इन्वॉल्व थे और फ्यूचर में नहीं होना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इट हिट्स देम, यू नो, दे गेट इम्पैक्टेड. व्हाई? इट्स नॉट द कैरिश्मा ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ टॉकिंग, मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ दिस चेयर टॉकिंग टू देम. सो दे अंडरस्टैंड वॉट दे हैव डन इज़ रॉन्ग. And I hope, and sometimes they say it also, that in future they will not be involved in such activities and they'll try to be a better citizen. So such kind of things are fulfilling. Other than that, we have a senior citizens tribunal over here. Senior citizens tribunal ka matlab hota hai ki jo hamare buzurg vriddhjan hain ya fir mata pita hain, जिनका उनके बच्चे ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, वो लोग आ सकते हैं और वो अपनी ग्रीवांस हमारे सामने रखते हैं. देन वी हेयर बोथ साइड्स, जो माता पिता होंगे या जो वृद्धजन होते हैं उनकी भी साइड सुनते हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी भी साइड सुनते हैं. और उसके बाद फिर दिस एक्ट, सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट, इज़ अ वेरी पावरफुल एक्ट. इस एक्ट के तहत आप मॉनिटरी कॉम्पनसेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं, दैट द चिल्ड्रन आर बाउंड टू गिव, दे आर ऑब्लाइज टू गिव सच एंड सच अमाउंट ऑफ मनी टू देयर पेरेंट्स, एंड एट द सेम टाइम इफ दे डू नॉट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे कैन बी इवन सेंट टू जेल. सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एक्ट. इसके तहत हमारे पास बहुत केसेस आते हैं. यूजली हम हर थर्सडे को लगभग आठ दस केस डेफिनेटली सुनते हैं और उन पर डिसीजन देते हैं. थर्डली अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ लैंड कन्वर्शन. सो सिंपल शब्दों में अगर बताऊँ तो अगर एग्रीकल्चर लैंड को किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना है तो उसके लिए पहले सब कलेक्टर्स ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है एंड एन अमाउंट ऑफ फी ऑल्सो हैज़ टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बिफोर दिस चेंज कैन बी इफेक्टेड. तो इसके रिलेटेड बहुत फाइल्स आती रहती हैं, लंबा सा प्रोसीजर होता है. वी हैव टू कॉन्डक्ट फील्ड विजिट्स ऑल्सो. साइट इंस्पेक्शन करने के बाद अगर लगता है कि इस कन्वर्शन से वहाँ की वहाँ के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को
harm नहीं होगा, then we get this kind of decision. So this act also involves a major chunk of our responsibility as a sub-collector. Then there are other things such as encroachment of public land, food safety, meaning if misbranded or substandard products are being sold in your territory and the food safety officer reports them to you, then you can assign a particular fine onto the counter petitioner parties. So these are some of examples of the cases that we take up as a sub-collector. Other than that, there are myriad activities such as law and order maintenance in your area, various reviews, disaster management, especially particular nowadays, COVID management, on and off there might be elections to the parliament, elections to the legislative assembly, or elections to the local bodies. So such kind of things also keep on coming, because of which our work profile is also very diversified and unpredictable. So these are some of the activities that a sub-collector is required to perform. Other than that, I would want to say ki this is just the beginning. Once you begin as a sub-collector, in future you have multiple responsibilities awaiting you. Sub-collector ke baad, either you will be posted as DDC, which is Deputy Development Commissioner, that is again a field posting, or an alternative is that you will be posted as a director in some of the departments, maybe Director Tourism, Director Fisheries, or a post similar to that. Jaise jaise aap field posting se central postings ki taraf badhte jaate hain, the profile undergoes a change. So in the field posting, you are more of a people's person. It is your responsibility to interact with the public and to solve their grievances. However, as you keep on moving from the junior levels to the senior levels, your job profile becomes more of policy oriented. So instead of directly engaging with the masses, you will be taking holistic views and overall view of a particular scheme of people's needs, requirements, and you would be aiding in the formulation of policy at the state or the center level. So your jobs, responsibilities, they undergo a change, and you keep on learning from your experiences in the past. To the aspirants, आप आज के दिन prepare कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि एक बार paper clear हो जाए and you have done it, you have achieved it. True, you would have achieved it in a certain sense, but the true journey begins once you join the field. Once you come to the field and you get your first posting, that is where you begin to deliver as an IAS officer. और उसके बाद jobs, responsibilities, accountabilities, ये सब बढ़ते ही रहेंगे एंड यू विल बी गेनिंग अ होल न्यू इनसाइट इनटू द वर्ल्ड ऑफ एन आईएएस ऑफिसर. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर एंड वुड बी रियली ग्लैड टू सी सम ऑफ यू ऑन ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी समडे. थैंक यू.